दोस्तों आज हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे राज्य के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जहां की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है इस राज्य को। यहां का खाना और यहां के लोग दोनों ही किसी का भी दिल जीत लेते हैं। अगर आप धार्मिक हैं तो आप जरूर ये स्टेट विजिट करें क्योंकि यहां आपको कई सारे बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे। यहां पर सबके चहेते दलाई लामा का घर है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हसीन वादियों से घिरी हुई खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश की, तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं हिमाचल प्रदेश के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी है 70 लाख के आसपास। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी शहर हैं, एक है शिमला और दूसरी है धर्मशाला, और यहाँ पर कुल मिलाकर 12 जिले हैं। हिमाचल प्रदेश लोक गाथाओं और सौंदर्य का राज्य है। इसे यक्षों, गंधर्वों और किन्नरों का प्रदेश माना जाता है। हिमालय पर्वत की गोद में बसे होने के कारण इसे हिमाचल प्रदेश कहते हैं। पुराणों के अनुसार इस प्रदेश पर मौर्य, कुषाण, गुप्त, कन्नौज वंश के राजाओं का शासन रहा है। अंग्रेजों ने यहाँ के गोरखा लोगों को हरा के कुछ राजाओं से दोस्ती कर ली और कुछ अन्य राजाओं की रियासतों को अपने साम्राज्य में समाहित कर लिया था। स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया और 1954 में बिलासपुर को भी इसमें शामिल किया गया। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के अंतर्गत पंजाब के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया। हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और इसका आधे से ज्यादा क्षेत्र धौलाधर रेंज की तलहटी पर स्थित है। 7025 मीटर शिला। हिमाचल प्रदेश राज्य में सबसे ऊंची पर्वत शिखर है जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। ये पूरा का पूरा राज्य ही हिमालय की गोद में बसा हुआ है और इसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। सिंधु और गंगा नदी दोनों हिमाचल प्रदेश की गोद से ही निकली है। हिमाचल प्रदेश भारत के अन्य प्रदेशों की तरह बहुसंस्कृति और बहुभाषी प्रदेश है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी, डोंगरी, मंडली, कांगड़ी और किनौरी है। हिंदू समुदाय में यहाँ पर ब्राह्मण, राजपूत, कन्नेत, राठी और कोली है, और आदिवासी जनजातियों में गाडिस, किन्नर, गुज्जर, पंगवाल और लहौली है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश अपने हैंडलूम इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। हिमाचल की पश्मीना शॉल की मांग तो पूरे देश में है। यहाँ के लोगों का त्योहारों में विशेष लगाव है और इनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। यहाँ त्योहारों में पोरी, लोहड़ी, होली, कुल्लू दशहरा, बसाओ, लोसर, राखी और दिवाली मुख्य है। यहाँ लोग हमेशा मस्ती करने के मूड में रहते हैं। सबको नाचना गाना बहुत पसंद है और ये बस मौका ढूंढते रहते हैं नाचने गाने का। जब तक यहाँ के लोग खुलकर नाचते नहीं तब तक यहाँ पर किसी का मन भरता नहीं। हिमाचल प्रदेश का खाना इतना लजीज होता है कि आप अपनी उंगलियों को चाटते रह जाएंगे। आप अगर नॉनवेज के शौकीन हैं तो मानो ये प्रदेश आपके लिए जन्नत है। यहाँ पर कई तरह के नॉनवेज पकवानों को बनाया जाता है। यहाँ जैसा मोमोज आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। आप सफर के दौरान कम से कम एक बार तो ये मोमोज जरूर टेस्ट करेंगे। हिमाचल का वातावरण काफी अच्छा है। 2 जुलाई 2013 को हिमाचल प्रदेश को देश का पहला धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया। यहाँ पर आपको हर तरफ साफ सुथरा नजारा दिखेगा क्योंकि यहाँ के लोग साफ सफाई को लेकर बड़े सीरियस होते हैं। आपको यहाँ कोई भी गंदगी करते हुए नजर नहीं आएगा। हालांकि ये बात अलग है कि जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं। हिमाचल का मौसम भी बहुत ही कमाल का है। चूँकि ये स्टेट चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है इसीलिए आपको यहाँ पर कभी भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। यहाँ जो भी आता है जून जुलाई के महीने में उसे पता चल जाता है कि यहाँ का मौसम कितना सुहावना और कितना अलग है। जब पूरे देश में गर्मी पड़ रही होती है तब भी यहाँ पर ठंड होती है और इसीलिए इस समय लोग यहाँ ठंड का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों का इनकम का मेन सोर्स है टूरिज्म और दूसरा है सेब की खेती। आपको पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इसी स्टेट में सेब खाने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ सेब सबसे टेस्टी होती है। इसकी मिठास अलग ही लेवल की होती है। हिमाचल के सेब हर देश में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में सेब की खेती करना सबसे पॉपुलर काम है। इससे इनकी कमाई भी अच्छी हो जाती है और ये दुनिया में नाम भी कमाते हैं। दोस्तों हमारे देश के हीरो शेरशाह विक्रम बत्रा के बारे में कौन नहीं जानता, जिन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को उनके गलत इरादों को तबाह करके रख दिया था। अभी कुछ ही दिनों पहले कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक भी बनी है। आपको जानकर खुशी होगी कि ये भी हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले थे। इन्होंने हम सब के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी।
कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के रहने वाले थे। आज भी पूरा देश इन्हें सलाम करता है। कैप्टन बत्रा तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी यादें और इनकी वीरता की कहानी लाखों करोड़ों साल तक इस दुनिया में अमर रहेंगी। हिमाचल प्रदेश को देवी का स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको कई सारे बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे। कांगड़ा देवी, तारा देवी मंदिर के बारे में आपने यकीनन सुना होगा। ये सारे मंदिर आपको हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टूरिस्ट देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर कि आप इस राज्य में घूमने के लिए जा सकते हैं और कितने पैसे खर्च करने होंगे। नंबर वन इज शिमला। दोस्तों, शिमला उत्तरी भारत का सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन है। इसके अलावा शिमला 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देश के सबसे फेमस पर्यटन स्थलों में से एक है। खूबसूरत पहाड़ियों और रहस्यमयी जंगलों के बीच शिमला भारत की सबसे खूबसूरत जगह है। शिमला की माल रोड, रिज, टॉय ट्रेन, कॉलोनियल आर्किटेक्चर यहाँ आने वाले पर्यटकों, हनीमून कपल्स के लिए और परिवार वालों के बीच काफी पॉपुलर है। शिमला में कई ऐतिहासिक मंदिरों के साथ ही कॉलोनियल आर्किटेक्चर की इमारतें भी हैं। शिमला को ब्रिटिश भारत की अर्ली समर राजधानी कहा जाता है और इस शहर की शानदार प्राकृतिक सुंदरता और वातावरण किसी भी पर्यटक को दोबारा यहाँ आने के लिए मजबूर करती है। नेक्स्ट इज मनाली। मनाली पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला की बर्फ से ढकी ढलानों के बीच स्थित देश के सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन में से एक है। मनाली समुद्र तल से 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो राज्य के कुल्लू जिले का एक हिस्सा है। मनाली अपने हरे भरे जंगल, फूलों के साथ बिछी घास के मैदानों, नीले रंग की धाराओं और ताजगी की लगातार खुशबू के साथ एक असाधारण प्राकृतिक स्थल है। मनाली प्रकृति से प्रेम करने वाले पर्यटकों और लवर्स के लिए जन्नत के समान है। इस हिल स्टेशन पर म्यूजियम से लेकर मंदिरों तक, नदी के रोमांच से लेकर ट्रैकिंग ट्रैक्स तक, गांवों से लेकर ऊबड़ खाबड़ गलियों तक यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है। नेक्स्ट इज धर्मशाला। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खास पर्यटक स्थल है, जो कांगड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धर्मशाला को कांगड़ा घाटी का प्रवेश मार्ग माना जाता है। यहाँ की बर्फ से ढके धौलाधार पर्वत श्रृंखला इस जगह को बेहद खास बनाती है। धर्मशाला को दलाई लामा के पवित्र निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। ये शहर अलग अलग ऊंचाई के साथ ही ऊपरी और निचले डिविजन्स में बांटा गया है। इसके निचले हिस्से को धर्मशाला शहर और ऊपरी डिविजन को मैकलोडगंज के नाम से जाना जाता है। तिब्बतन हब होने के नाते धर्मशाला को बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति को सीखने और जानने के लिए हिमाचल प्रदेश की एक बेहद खास जगह है। नेक्स्ट इज स्पीति वैली। हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति वैली हर तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है, जो समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान, बर्फ से ढके पहाड़, घुमावदार सड़कें और सुरम्य घाटियां यहां आने वाले पर्यटकों को बेहद उत्साहित करती है। हिमाचल प्रदेश की ये एक ऐसी जगह है जहां पर वर्ष में लगभग 250 दिन धूप पड़ती है और ये देश के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। नेक्स्ट इज कसौली। कसौली चंडीगढ़ से शिमला के रास्ते में स्थित पहाड़ी शहर है, जो शहरों की भीड़ से दूर एक शांतिपूर्ण जगह है। कसौली हिमाचल के दक्षिण पश्चिम भाग में एक छोटा सा शहर है, जो हिमालय पर्वत के निचले किनारों पर स्थित है। देवदार के सुंदर जंगलों के बीच स्थित कसौली अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भव्य विक्टोरियन इमारतों के लिए, रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। कसौली का शांत वातावरण और आकर्षक शांति इस जगह को हिमाचल के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। नेक्स्ट इज पालमपुर। दोस्तों, पालमपुर हिमाचल प्रदेश का बेहद खास पर्यटन स्थल है, जो देवदार के जंगलों और चाय के बागानों से घिरा हुआ है। राजसी धौलाधार रेंज के बीच स्थित पालमपुर अपने चाय बागानों और चाय की अच्छी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में फेमस है। पालमपुर को अब पहली बार अंग्रेजों द्वारा देखा गया था, जिसके बाद इसे एक व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में बदल दिया गया। इस शहर में स्थित विक्टोरियन शैली की हवेली और महल बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। अब आप हिमाचल प्रदेश घूमने जा रहे हैं तो पालमपुर की सैर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आपको अब बताते हैं कि कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए। आपको लगभग पर हेड 20,000 के आसपास खर्च करने पड़ेंगे, जो कि अफोर्डेबल है। तो दोस्तों, ये था हिमाचल प्रदेश। आप में से अगर कोई है हिमाचल से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये भी बताना कि आप कहां से हैं। हिमाचल और उसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा पार्ट 2। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।